बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोग का? कैसे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं? चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए आप लोग। तो आज का सब्जेक्ट है हमारा कंपनी ला। क्या सब्जेक्ट है? कंपनी ला, कंपनी अधिनियम। ठीक है, इसमें हम संचालक पढ़ रहे थे। आइए संचालक में ही कुछ और आगे का जाने। टॉपिक हमारा है संचालकों की संख्या, संचालकों की संख्या। ध्यान दीजिएगा कि यह जानना जरूरी है कि किसी कंपनी में कितने संचालक होते हैं, उनकी क्या संख्याएं होती। इस संचालकों की संख्या में हम सबसे पहले जानेंगे कि निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले निजी कंपनी। निजी कंपनी के मतलब क्या होता है? प्राइवेट कंपनी। कि एक निजी कंपनी में, एक निजी कंपनी में जितने भी डायरेक्टर होते हैं, आपको बताए थे कि कैसे संचालकों की नियुक्ति की जाती है, क्या क्या प्रोसेस वगैरह है, सारी चीजें आपको बताए थे। तो एक निजी कंपनी में कितने संचालक होने चाहिए और एक सार्वजनिक कंपनी में कितने संचालक होने चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। निजी कंपनी में संचालकों की संख्या, निजी कंपनी में संचालकों की संख्या कम से कम दो, मतलब न्यूनतम दो होना चाहिए। और अधिकतम कितना होना चाहिए? अधिकतम यह संख्या 20 तक हो सकती है, 20 तक हो सकती है। लेकिन वहीं पर एक सार्वजनिक कंपनी है। कौन कंपनी? सार्वजनिक कंपनी। इस सार्वजनिक कंपनी में कितनी संख्या हो सकती है? इसमें भी ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम न्यूनतम इसमें तीन होती है और अधिकतम कितना होता है? अधिकतम नियमानुसार 15 तक हो सकता है। कितना हो सकता है? 15 हो सकता है। लेकिन कुछ विशेष दशाओं में, विशेष परिस्थितियों में यह संख्या 15 से हम 20 कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कंपनी अधिनियम 2013 में यह प्रावधान किया गया है कि किया जा सकता है, माने किसी भी कंडीशन में 20 से अधिक नहीं होता, लेकिन अधिकतम 15 तक का ही प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 में किया गया। प्रश्न इसमें एक चीज और है कि महिला संचालक, ये नया आया है, चाहे वो निजी कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, सार्वजनिक कंपनी हो, महिला संचालक। ध्यान दीजिएगा, मतलब कि संचालक तो हम किसी को भी बना सकते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, हम किसी को भी संचालक के पद पर नियुक्त कर सकते हैं, बशर्ते कि वो व्यक्ति होना चाहिए, पर्सन होना चाहिए। लेकिन कंपनी अधिनियम, हमारा जो कंपनी एक्ट है, जो कंपनी एक्ट है 2013, इसमें एक प्रावधान किया गया है कि हर एक कंपनी में महिला संचालकों की नियुक्ति की जाए। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन दिए गए हैं, कुछ विशेष परिस्थितियां दिया गया है जिसके आधार पर महिला संचालकों की नियुक्ति की जा सकती है। महिला संचालक की नियुक्ति के संबंध में यह प्रावधान दिया गया है कि यदि सूचीबद्ध कंपनी, कौन सी कंपनी है? सूचीबद्ध कंपनी है, सूचीबद्ध कंपनी, लिस्टेड कंपनी, तो लिस्टेड कंपनी में एक महिला संचालक की नियुक्ति होना अनिवार्य है। वो भी कब? एक वर्ष के भीतर। मतलब कंपनी एक्ट 2013 में यह प्रावधान किया गया है कि एक वर्ष के भीतर, एक वर्ष के अंदर एक महिला संचालक की, मतलब एक महिला संचालक की, महिला
संचालक की संचालक नियुक्त करने का यह प्रावधान किया गया। ध्यान दीजिएगा, लेकिन अन्य कोई कंपनी है, जैसे कि इधर लिख दे रहे हैं अन्य कंपनी है, तो अन्य कंपनी में यह प्रावधान किया गया है कि महिला कि कोई भी कंपनी जिसकी चुकता पूंजी टाइड अप कैपिटल चुकता पूंजी यदि 100 करोड़ से अधिक है, 100 करोड़ से अधिक है और उसकी कुल बिक्री 300 करोड़ है, तो वहां पर एक महिला संचालक की नियुक्ति की जा सकती है। आइए फिर से बता रहे हैं कि महिला संचालक की नियुक्ति के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 में क्या प्रावधान किया गया। महिला संचालक को संबंध में दो तरीके की कंपनियों का उल्लेख किया गया है, चाहे वो निजी कंपनी हो चाहे सार्वजनिक कंपनी हो, उससे मतलब नहीं है, सूचीबद्ध और गैर सूचीबद्ध कंपनी से मतलब। यदि सूचीबद्ध कंपनी है तो ऐसे कंडीशन में 1 वर्ष के अंदर एक महिला संचालक की नियुक्ति होना अनिवार्य है, एक से अधिक भी हो सकता है लेकिन न्यूनतम एक होना उसमें अनिवार्य है। लेकिन सूचीबद्ध कंपनी नहीं है, अन्य किसी भी प्रकार की कंपनी है, तो वहां पर यह कंडीशन देखा जाता है कि यदि उस कंपनी की कुल पेडअप कैपिटल चुकता पूंजी 100 करोड़ रुपए से अधिक है, कितना 100 करोड़ रुपए से अधिक है और उसकी टोटल बिक्री कितना 300 करोड़ से अधिक है, तो वहां 3 वर्ष के भीतर एक महिला संचालक की नियुक्ति होना अनिवार्य है। कन्फर्म हुआ? अब प्रश्न यह उठता है कि यदि हम ऐसा न करें, यदि हम ऐसा न करें या कोई कंपनी वाला है ऐसा नहीं करता है, अर्थात वह किसी भी कंपनी किसी भी कंडीशन में वह संचालकों की नियुक्ति 20 से अधिक कर देता है, 20 से अधिक कर देता है या महिला संचालक की नियुक्ति नहीं करता है, तो यहाँ पर क्या प्रावधान दिए गए। तो ऐसे कंडीशन में एक अर्थदंड का प्रावधान दिया गया। किस चीज का? अर्थदंड का प्रावधान। इसमें से जितना भी बताया गया है उसमें से यदि संचालकों की संख्या कितने डायरेक्टर की संख्या संचालक की संख्या कितना यदि 20 से अधिक किया गया है, अधिक है किसी भी कंपनी में, तो ऐसे कंडीशन पे इस पर यह प्रावधान दिया गया है कि यदि 20 से अधिक जितने भी संचालक होंगे, 20 से अधिक जितने भी संचालक होंगे उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, 5000 रुपया से लेकर 25000 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदंड लगाया जाएगा। कितना? ऐसे कंडीशन में अर्थदंड कितना है, 5000 रुपया से लेकर कितना 25000 रुपया प्रतिदिन क्या लगाया जाएगा, अर्थ दंड लगाया जाएगा। कन्फर्म होगा कि यदि कोई भी कंपनी है वो अपने डायरेक्टरों की संख्या यदि 20 से अधिक करती है तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाएगा, जितना भी 20 तक तो कोई अर्थदंड नहीं है, लेकिन 20 से मान लीजिए कोई कंपनी वाला 22 कर दिया 25 कर दिया, तो 20 के बाद जितने भी अधिक अन्य कंपनियों का वह संचालक है तो ऐसे कंडीशन में उस व्यक्ति पर नियमानुसार 5000 से 25000 जैसा हुआ लापरवाही करेगा जैसा हुआ सिचुएशन रहेगा उस हिसाब से 5000 से 25000 रुपया प्रतिदंड के दिन के आधार पर पर डे के आधार पर उस पर फाइन लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका संचालकों की संख्या। प्रश्न इसमें एक और भी चीज है कि क्या यह संचालक क्या ये डायरेक्टर भारत के ही हो या भारत के बाहर के भी। तो संचालक की स्थिति आइए इसमें हम बता रहे हैं आपको। मान लीजिए किसी कंपनी में 10 डायरेक्टर हैं, 10 संचालक हैं,
10 संचालक। तो मान लीजिए किसी कंपनी में 10 संचालक हैं, तो नियम यह है कि कंपनी जब भारतीय तभी मानी जाती है कि उसका प्रबंध व नियंत्रण भारत द्वारा किया गया हो, तो भारतीय कंपनी होती है, अर्थात उसके रूल रेगुलेशन एक्ट मैनेजिंग पावर सारा इंडिया के द्वारा गवर्नमेंट किया जाता है, भारत सरकार द्वारा भारत के द्वारा किया जाता है, तो भारतीय कंपनी है, भले उसकी शाखाएं कहीं भी हैं, उससे मतलब नहीं, ठीक ना। लेकिन यदि किसी संचालक की सिचुएशन की स्थिति में ये अनिवार्य है, कंपनी एक्ट 2013 में ऐसा प्रावधान किया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी का निर्माण करता है तो वहां पे डायरेक्टर जितने भी होते हैं 5, 10, 15, 20 जो भी हो, तो उसमें ये अनिवार्य है कि एक संचालक जो भी उसमें से एक संचालक होगा उसे एक संचालक अर्थात उसे उस गत वर्ष में 182 डेज भारत में रहना अनिवार्य होगा, अनिवार्य हो, मतलब उसे भारतीय कंपनी तब माना जाएगा भले वो इंडिया के द्वारा गवर्न किया जाता, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो उसके डायरेक्टर हो इंडियन न हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ इंडियन हो कुछ बाहर के हो, ऐसा भी हो सकता है कि पूरा इंडिया के हो, और ये भी हो सकता है पूरा इंडिया के बाहर के हो, तो भारतीय कंपनी तभी मानी जाएगी कि उस संचालक का सिचुएशन जितने भी हैं, चाहे 2, 4, 10, 20 जो भी है, उसमें से कोई ना कोई एक संचालक इंडिया का, अर्थात इंडिया का रहने का मतलब यह है कि उसे उस गत वर्ष में कम से कम 182 दिन इंडिया में वो रहा। आप देखे होंगे हमारे वीडियो में कंपनी उसका इनकम टैक्स का वीडियो पड़ा होगा कि निवासी स्थिति का निर्धारण, तो निवासी स्थिति के निर्धारण में मैं आपको बताया था बीकॉम सेकंड ईयर में है भी, कंपनी लॉ भी है, इनकम टैक्स भी है, तो उसमें 182 दिन उस गत वर्ष में उसे रहना अनिवार्य है, तो वहां डायरेक्टर यदि नियुक्त किया गया है तो उसे 182 दिन रहना अनिवार्य है, तभी वो भारतीय कंपनी मानी जाएगी, ठीक है। तो आइए अब अगले वीडियो में बता रहे हैं, अगले वीडियो का अभी लेक्चर में बता रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये सब बेसिक चीजें जानना आप लोग को जरूरी है। अगले हम बता रहे हैं कि संचालकों की अयोग्यता क्या है, किस कंडीशन में वो संचालक नियुक्त नहीं किया जा सकता, मतलब कोई भी पर्सन चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो उसे ही संचालक बनाया जाता है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे भी हैं जिसमें उन व्यक्तियों को संचालक नहीं बनाया जा सकता, तो उसको बताने से पहले चाहूंगा कि आप नोट कर लीजिए फिर मैं आपको बताऊंगी। हाँ चलो नोट कर लीजिए आप लोग, चलिए आइए ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है संचालकों की अयोग्यता। संचालकों की अयोग्यता, ठीक है, हम इसमें जानेंगे कि संचालक की क्या क्या अयोग्यताएं होती है, किस कंडीशन में एक संचालक को अयोग्य माना जाता है, ठीक है। सबसे पहला, एक पागल व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, चाहे वो कोई भी पुरुष हो या महिला, जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, अर्थात वो मेंटली रूप से अस्वस्थ है, यानी दिमागी तौर पर वो अस्वस्थ है, जिसे पागल की श्रेणी में रखा गया है, ऐसे व्यक्ति को किसी भी कंपनी का संचालक नहीं बनाया जा सकता। तो कहने का मतलब है संचालक की पहली अयोग्यता है कि वह व्यक्ति पागल है तो संचालक नहीं बनाया जा सकता, संचालक उसे बनाया जाता है जो पूर्णतः स्वस्थ मस्तिष्क का, ठीक ना। दूसरा है दिवालिया के योग्य, मतलब कि यदि कोई भी व्यक्ति दिवालिया हो गया या दिवालिया होने जा रहा है या दिवालिया होने का आवेदन कर दिया, तो ऐसे व्यक्ति को भी योग्य नहीं माना जाता, अर्थात डायरेक्टर बनने के योग्य
नहीं माना जाता। अब प्रश्न यह है कि दिवालिया किसे कहते हैं? बहुत लोग कहते हैं दिवालिया हो गया। दिवालिया मतलब होता क्या? दिवालिया का मतलब होता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति से ज्यादा का कर्जदार हो जाता है, मतलब जितने उसके पास प्रॉपर्टी है किसी भी रूप में, और उससे ज्यादा का कर्जदार हो जाए, मतलब कि अपने कर्जे का भुगतान करने में पूर्णतः समर्थ हो, यहां तक कि अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी कर्जे का भुगतान नहीं कर सकता, तो ऐसे व्यक्ति को दिवालिया कहा जाता है। ऐसा दिवालिया व्यक्ति को किसी भी कंपनी का संचालक या डायरेक्टर नहीं बनाया जाता है। ठीक ना। अगला है याचना की राशि का भुगतान न करना। यदि कोई भी डायरेक्टर है, कंपनी का कोई शेयर लिया है और उन शेयरों का भुगतान विभिन्न याचनाओं में करता है, विभिन्न किस्तों में करता है, लेकिन किसी कारणवश यदि याचना का भुगतान करने में असमर्थ रहता है, अर्थात भुगतान समय से नहीं कर पाता है, उसकी किस्तें बकाया हो जाती हैं, अवशिष्ट हो जाती है, कालसीन एरियर हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को भी किसी भी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता, अर्थात उसे अयोग्य माना जाता है। ठीक ना। अगला, कंपनी द्वारा उसके रिश्तेदार का दोषी। कंपनी द्वारा उसके रिश्तेदार के व्यवहार का दोषी या रिश्तेदार का दोषी। इसका मतलब यह हुआ कि यदि कोई कंपनी है और उसमें कोई ऐसा व्यक्ति यह व्यवहार करता है कि एक कंपनी तो हमारे ही रिश्तेदार की, हमारे सगे संबंधी की, हमारा कुछ हो नहीं सकता, हम ही कंपनी के सर्वासर्वे, तो ऐसे दोषी व्यक्ति को भी कंपनी का संचालक नहीं बनाया जा सकता, अर्थात उसे अयोग्य घोषित किया जाता है। ठीक ना। अगला है कि एक ऐसा व्यक्ति, अगला क्या है, एक ऐसा व्यक्ति जो संचालक तो है लेकिन संचालक बनने के योग्य नहीं, ऐसा व्यक्ति जो संचालक है पर संचालक के योग्य नहीं है, मतलब कि ऐसा व्यक्ति यदि कंपनी का जब निर्माण हुआ उसे कुछ समय के लिए डायरेक्टर तो बना दिया गया था, वो इसलिए बनाया गया था कि उस समय डायरेक्टर भाई कहां से खोजे, तो जो कंपनी के कर्ता धर्ता थे वही कुछ समय के लिए चाहे अगले वार्षिक सभा तक के लिए उसे डायरेक्टर बना दिया गया, या कंपनी का निर्माण किया गया उस समय, देखते ही होंगे जब कंपनी का निर्माण किया जाता है तो प्रवर्तकों द्वारा किसी को भी डायरेक्टर बना दिया जाता है, लेकिन केवल नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर समाप्त, मैंने इस फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है समाप्त होने तक, मतलब 31 मार्च तक, अर्थात कंपनी की प्रथम वार्षिक सभा होने तक के लिए उसे संचालक माना जाता है, लेकिन वास्तव में वह संचालक होता नहीं, संचालक का सौंपा तो गया है कार्यभार लेकिन वह संचालक योग्य नहीं है, वो कुछ समय के लिए संचालक उसे बनाया जाता है, तो ऐसे संचालकों को भी अयोग्य माना जाता है। ठीक है। अगला है बस इतना ही रन दीजिए, काफी हो गया। ठीक है। ऐसे भी हो सकता है। एक और भी चीज है, अगला है कि यदि कोई भी व्यक्ति नैतिक दोष के कारण, नैतिक दोष का मतलब होता है कि यदि कोई व्यक्ति पहले से कहीं 6 महीने की सजा काट चुका है, उसके नैतिक चारित्रिक स्वभाव ठीक नहीं, जिसके लिए उसे सजा भी दी गई है, अर्थात ऐसी सजा जो पहले से किसी न्यायालय के द्वारा 6 माह के लिए कम से कम पाया हो,
तो ऐसे व्यक्ति के मतलब न्यायालय द्वारा यदि उसे दोषी दोष किसी भी कारणवश दोषी दिया गया है नैतिक स्वभाव के कारण, तो ऐसे व्यक्ति को भी संचालक नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो इस तरह मुख्य मुख्य बिंदु आपको बता दिए हैं। अब अगले वीडियो में आप जानेंगे कि संचालकों को क्या अधिकार होते हैं, क्या कर्तव्य होते हैं, क्या दायित्व होते हैं। एक इस वीडियो में एक चीज और मैं आपको बता दूं कि संचालकों की क्या स्थिति होती है, माने संचालक किसी कंपनी में किस रूप में कार्य करते हैं। संचालकों की स्थिति, संचालकों की स्थिति में चार पांच बिंदु है जो मैं आपको बता दे रहा हूं। पहला बिंदु, जो डायरेक्टर होते हैं, जो संचालक होते हैं, फर्स्ट उनका सिचुएशन या कर्तव्य होता ही है तो यह ही कंपनी में अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। संचालक कहने का मतलब है संचालक अभिकर्ता के रूप में, अभिकर्ता के रूप में मतलब कि कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं वो कंपनी में एक एजेंट की भांति कार्य करते हैं। एजेंट की भांति का मतलब यह है कि वो एजेंट नहीं होते, उसकी तरह कार्य करते हैं। एजेंट का मतलब यह होता है कि कंपनी का विकास करना, कंपनी की तरक्की करना, कंपनी में अधिक से अधिक प्रोडक्शन कराना, उसका सेल कराना, उसका एडवर्टाइज करना, कंपनी का मैनेजमेंट करना। तो जो कंपनी के संचालक होते हैं वह कंपनी में अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, अभिकर्ता के रूप में माना जाता है। ठीक है, अगला है संचालक जो होते हैं, संचालक एक न्यासी के रूप में, न्यासी के रूप में भी होते हैं। न्यासी मतलब होता है ट्रस्टी, जैसे कोई ट्रस्ट वगैरह होता है, तो ट्रस्ट जिसने बनाया, जो सबसे ज्यादा योगदान दिया उसमें, चाहे वो तन मन धन किसी भी तरीके से दिया, तो ट्रस्टी कहलाता है। तो जो ये डायरेक्टर होते हैं वो भी एक ट्रस्टी ही होते हैं, क्योंकि यही कंपनी को आगे बढ़ाते हैं, ले जाते हैं, चलाते हैं। तो इस तरह डायरेक्टर एक ट्रस्टी के रूप में भी कार्य करता है। अगला, संचालक एक साझेदार के रूप में, के रूप संचालक जो होते हैं एक पार्टनर के रूप में भी होते हैं। वास्तव में पार्टनर होते नहीं है, ऐसा नहीं कि लाभ में हिस्सा पाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी कारोबार को चलाते हैं, उनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, तो पार्टनर कहलाते हैं। तो यह लाभ को आपस में बांटने का कार्य नहीं करते हैं, यह मिलजुल कर कंपनी को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसलिए इसे कहा गया है कि डायरेक्टर एक साझेदार के रूप में भी कार्य करता है। ठीक ना, अगला, संचालक कंपनी के अंग के रूप में, रूप इसका मतलब यह हुआ कि जिस तरह हमारा मानव बॉडी का हाथ आंख नाक मुंह, ये अलग अलग पार्ट अलग अलग रूपों में कार्य करते हैं, और सबको मिलाकर एक बॉडी बनती है, मानव शरीर बनता है, और सब मानव शरीर एक साथ कार्य करते हैं। उसी तरह कंपनी का डायरेक्टर कंपनी का एक अंग है, महत्वपूर्ण अंग है। फिर डायरेक्टर को हटा दिया जाए तो कंपनी अधूरा हो जाएगा, क्योंकि पैसा तो कोई और लगाता है लेकिन चलाता कोई और है। हर आदमी उस कंपनी के कुछ न कुछ अपना कार्य करते हैं। तो संचालक कंपनी को मेन चलाने वाले व्यक्ति कौन होते हैं? डायरेक्टर ही होते हैं। यह क्या है, कंपनी का एक महत्वपूर्ण अंग है। जिस तरह शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, हेड है, ब्रेन है, जिसको कंप्यूटर का सीपीयू भी कहा जाता है, उसी तरह कंपनी का मेन सीपीयू किसके पास, कौन है, डायरेक्टर होता है। इसीलिए इसको एक अंग के रूप में कहा गया। अगला, संचालक एक कर्मचारी के रूप में, एक कर्मचारी के रूप में,
जैसे डायरेक्टर होते हैं ये एक तरह से इम्प्लाई भी है, जिस तरह अनइम्प्लाई होते हैं उसी तरह ये भी इम्प्लाई होते हैं। अनइम्प्लाइयों का जिस तरह वेतन मिलता है इन्हें मिलता है, लेकिन ये कंपनी के महत्वपूर्ण पार्ट्स है, ठीक है। तो यह एक कर्मचारी की भाग, मतलब टाइम से जाता है, टाइम से आता है, टाइम से अपना वर्क करता है, हर कुछ टाइम से इसका होता है, तो इसे क्या माना गया है, एज एक इम्प्लाई माना गया। तो ये तो है संचालकों का स्टेटस स्थिति। आज का वीडियो कैसे लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसी तरह हमारा वीडियो देखते रहिए। और जो ये टॉपिक दे रहे हैं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है कि संचालकों की योग्यता क्यों क्या है समझाइए, ये पॉइंट्स के द्वारा आप लिख सकते हैं। संचालकों की स्थिति क्या है, ये सब आप लिखा जा सकता है, सुन लेंगे तो ठीक है। जो हमारे चैनल पे हैं नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाला वीडियो मिले, और वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर करें, और किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो उसमें कमेंट जरूर करें, ठीक है। फिर अगले वीडियो में कल मिलते हैं।